हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स कॉर्न वेजिटेबल। देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना ये सब्जी कितनी टेस्टी। रेसिपी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मिक्स कॉर्न वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को मैंने यहाँ बारीक काट लिया है और एक मीडियम साइज की प्याज को भी मैंने यहाँ बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ एक टमाटर और दो हरी मिर्च को मोटा काट लिया है क्योंकि इसकी हमें ग्रेवी बनानी है। और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ ग्रेटेड पनीर लिया है, एक कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में 2 मिनट ब्लेंड करके एक फाइन प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। मैं यहाँ एक पतीली ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म होता है मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरे के चटकने के बाद अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन के फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें तैयार टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इस प्यूरी को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी टमाटर की प्यूरी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इसी स्टेज पर अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। मैं यहाँ एक दूसरा पैन ले रही हूँ और इसमें मैं सिर्फ 1 छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ जिसे हम लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च डाल रही हूँ। लो फ्लेम पर बीच बीच में हिलाते हुए इन सभी सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। शिमला मिर्च को हल्का फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें कटी हुई कॉर्न डाल रही हूँ। सभी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है तो अब मैं यहाँ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सभी मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें 1 मिनट तक और पकाएंगे। टमाटर को फ्राई करने के बाद तैयार पेस्ट को अब मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर प्यूरी डालने के बाद अब इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे जिससे कि अदरक लहसुन और टमाटर का टेस्ट पूरी वेजिटेबल्स में अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गई है हमारी मिक्स कॉर्न वेजिटेबल। इस सब्जी को अब मैं एक बड़े बाउल में निकाल रही हूँ। वैसे तो ये सब्जी खाने में ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगती है, पर इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे ग्रेटेड पनीर से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। तो देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना ये सब्जी कितनी टेस्टी। इस मिक्स कॉर्न वेजिटेबल को आप गर्मा गर्म परांठे या नान के साथ एंजॉय करें। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं।